हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेसरी क्लासेज में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करवाते हैं, और आज हम यहाँ पे करेंगे जो 2021 में आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उसको हम करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ मोर देन 2300 स्क्वायर किलोमीटर इज। तो यहाँ पे आपको जो है वो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। एक है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और जो लास्ट का आपका जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है क्या, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो इसका जो सही, अगर हम उत्तर देखें, इसका सही उत्तर है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि अगर हम एग्जैक्ट यहाँ पे बात करें तो ये एग्जैक्ट है आपका 2390 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे यहाँ पे 2300 लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये 2390 स्क्वायर किलोमीटर। और ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये हमारा पड़ता है जो हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपका गंगोत्री नेशनल पार्क पड़ता है, जो कि आपका नीली भेड़, मोनाल और जो कस्तूरी मृग है इनके लिए आपका जो है वो फेमस है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मुद्रा स्फीति धन के वितरण को बनाती है। हम सभी आजकल बात सुन रहे होंगे, महंगाई की बात सुन रहे होंगे, तो मुद्रा स्फीति जो है वो धन के आपके वितरण को क्या बनाती है, असमान बनाती है, क्या बनाती है, अनइक्वल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं कमिश्नरी शिफ्टेड फ्रॉम अल्मोड़ा टू नैनीताल। अब जब आप इसके आंसर की देखेंगे, वहां पर इसका जो आंसर है वहां पे आपका जो है आयोग की तरफ से उसको गलत यहां पे बताया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आपका कुमाऊं कमिश्नरी है उसको अल्मोड़ा से आपका जो है वो नैनीताल आपका कब शिफ्ट किया गया, ये किया गया आपका 1854 में। कब किया गया, 1854 में जो है इसको आपका यहाँ पे जो है वो आपका शिफ्ट किया गया था। और हम सभी को अगर मैं इसके साथ आपको बताऊं तो 1857 का जब आपका जो है वो आपका ये होता है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन होता है उस समय यहाँ के जो कमिश्नर थे वो आपके कौन थे, वो आपके रैमजे थे। तो इसके हिसाब से जिसका सही उत्तर है वो है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हम सभी को पता है, देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के आपके दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक होते हैं आपके परमानेंट मेंबर और एक होते हैं आपके टेम्प्रेरी मेंबर। परमानेंट मेंबर जो हैं वो आपके 5 हैं, टेम्प्रेरी मेंबर जो हैं वो आपके 10 हैं। परमानेंट में अभी 5 ही देश हैं, भारत जो है वो आपका टेम्प्रेरी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा कहता है, चंपावत तहसील वॉज इंक्लूडेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन, जो चंपावत तहसील है ये आपका कब बनाया है, मतलब उसमें आपका हुआ, तो इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर है 13 मई 1972 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉल्टलेस वाटर लेक, ओके, जो लवण रहित यानी नमक रहित जो है वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी डल झील, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में है। और सांभर झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी आपकी झील है, जो कि उड़ीसा में आपका मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिग इज नॉट रिटन बाय बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने देखो गढ़वाल पेंटिंग आपकी लिखी है, ठीक है, सब नोट्स ऑन मोरालाम लिखी है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग लिखी है, ये इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण मुकुंदीलाल के द्वारा आपका नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, बैटन द्वारा नवी भू व्यवस्था आपकी कब लागू की गई, तो इसके द्वारा की गई, ये कब की गई है, 1840 में, कब की गई है, बैटन जो है वो बैटन आपका अगर हम बात करें लुसिंगटन जो आपके यहाँ पे थे कमिश्नर उनके कार्यकाल की हम बात करें तो उनका कार्यकाल जो था 1838 से लेके 1848 तक जो है वो इनका कार्यकाल आपका रहा है, लुसिंगटन की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगकंठ दर्रा, जो हमारे पासेज होते हैं, पासेज आपके क्या होते हैं, जो आपके बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके बीच में से जो सकरा आपका रास्ता जाता है उसको हम आपके दर्रे बोलते हैं। और जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये हमारे उत्तराखंड के सबसे वेस्ट में है, तो हम बात करेंगे हमारे वेस्ट में आपका कौन सा है, हमारे वेस्ट में आपका हिमाचल प्रदेश है, और वहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उत्तरकाशी है। तो श्रृंगकंठ दर्रा जो है वो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को आपका क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, अभी भी हमारे पास 30 क्वेश्चन बचे हुए, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था, तो बंगाल में जो पाल वंश का संस्थापक है वो आपका कौन है, गोपाल प्रथम गौड़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था, तो जो टिहरी नरेश थे अंतिम टिहरी नरेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अंतिम टिहरी नरेश आपके कौन थे, अंतिम टिहरी नरेश जो हैं वो आपके मानवेंद्र शाह हैं। कौन है, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह की अगर हम राजशाही की बात करें तो 1946 से लेकर 1949 तक, बाद में ये हमारे सांसद भी आपके बने रहे, तो इनने उत्तराखंड राज्य के लिए जो है आंदोलन छेड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, कुमाऊं और गढ़वाल दो
पृथक जिले आपके कब बनाए गए थे, ये बनाए गए थे 1939 में। कब बनाए गए थे, 1839। इसका जो है वो आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रिटिश में आई थी, हालांकि सबसे पहले तो आपके पुर्तगाली आए थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला है इनने सबसे पहले जो आपकी ज़मीन 1812 में इनने जो ज़मीन आपकी खरीदी, ये आपने कहाँ पर खरीदी है, ये इन्होंने आपका मसूरी में खरीदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट पेशवा। अब देखिए जो आपका अष्ट प्रधान थे शिवाजी के, उसमें तो उसमें जो प्रधानमंत्री का आपका पद था, वो प्रधानमंत्री का पद आपका कौन सा है, वो आपका पेशवा का है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, बालाजी विश्वनाथ। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराइट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो बेराइट्स जो खनिज है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है, वो आपका देहरादून में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डोकरियानी हिमनद, ठीक है, तो जो डोकरियानी ग्लेशियर है वो आपका कहाँ पे है, वो भागीरथी बेसिन में है। कहाँ पे है, भागीरथी बेसिन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल फेस्टिवल आपका कहाँ पे होता है, हार्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में होता है। नागालैंड की राजधानी आपकी क्या है, नागालैंड की राजधानी आपकी जो है वो कोहिमा है, तो इसको आप यहाँ पे याद करेंगे, हार्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 18, इन 1962 नरेंद्र महाविद्यालय, ओके, नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल किसके द्वारा किया गया, तो ये हैं कमलेंदुमती शाह। कौन है, कमलेंदुमती शाह। अगर कमलेंदुमती शाह की बात करें तो उत्तराखंड में ये पहली ऐसी महिला हैं जिनको पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, और ये पहली जो हैं वो निर्दलीय लोकसभा सदस्य रही उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 1871 में अल्मोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो अल्मोड़ा अखबार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। 1871 में जो बुद्धि बल्लभ पंत हैं, ठीक है, कौन है, बुद्धि बल्लभ पंत हैं, वो अल्मोड़ा अखबार का आपका प्रकाशन करते हैं। 1913 में इसके बद्रीदत्त पांडे जी बनते हैं। 1918 में ये अखबार आपका बंद हो जाता है, और 1918 में एक बद्रीदत्त पांडे जी नया अखबार निकाल के लाते हैं जिस अखबार का नाम आपका शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 20, बेलाडीला, बेलाडीला खान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, ढाकर या ढाकर, ढाकर जो आपका है वो किसके लिए है, ढाकर जो है वो बिजनेस ट्रेवल से, किससे, व्यापार यात्रा से, क्या है, व्यापार यात्रा से आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे, तो बद्रीदत्त पांडे हम सभी को पता है कुमाऊं केसरी आपके कहे जाते हैं, कुमाऊं का इतिहास इन्होंने लिखी है, ये अल्मोड़ा से सन 1955 में जो है वो लोकसभा सदस्य चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा जो है सन 1970 में, 1970 में, ठीक है, अगर हम बात करें अक्टूबर में, 3 अक्टूबर 1970 को किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये पीसी जोशी जो है, पीसी जोशी के द्वारा आपका किया गया, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए आपकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, दानपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है, तो दानपुरिया जो आपका है वो पूरा क्षेत्र जो है दानपुर क्षेत्र, वो आपका कहाँ पे है, बागेश्वर में, तो बोली आपकी कहाँ पे बोली जाती है, वो दानपुरिया बोली आपकी बागेश्वर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग टोटल जो है वो 125 किलोमीटर है, 104 जो है वो अंडरग्राउंड है, ये आपका इसका जो निर्माण योजना जो है वो क्ले ने बनाई थी, ठीक है, क्ले मंत्री, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जेएम क्ले। अब 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और हमारी टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सिरतान, वेरी इंपॉर्टेंट, सीर्ति कर, सिरतान कर जो है एक प्रकार का आपका नगद संबंधी कर है। कौन सा है, ओनली कैश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपका है वो विवादों में है, ठीक है, आयोग का कहना है कांगड़ा, लेकिन बुक्स में है वो दोनों आपका लिखा गया है, मुगल और कांगड़ा, तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना आपकी किसने की थी। इसका सही उत्तर है कैप्टन हडलस्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा स्रोत, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है, स्कंद पुराण भी देता है, महाभारत वन पर्व, वायु पुराण, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद, ठीक है, वंदे मातरम का जो है कुमाऊं में अनुवाद आपका किसने किया था, हरिराम त्रिपाठी ने। वंदे मातरम आपका किसने लिखा है, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने लिखा है, और इसका जो कुमाऊं में अनुवाद है वो आपका किसने किया है, हरिराम त्रिपाठी जी ने। क्वेश्चन नंबर 31, कुफिनी, ठीक है, कुफिनी आपका क्या है, किसकी सहायक नदी है, पिंडर की, पिंडर को आपका क्या बोला जाता है, पिंडर को आपका कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32,
कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए दो सीटें हैं, एक आपकी नानकमत्ता, दूसरी आपकी चकराता। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर है नानकमत्ता विधानसभा सीट। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे थारू है, जौनसारी है, भोटिया है, बोक्सा है और राजी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 33, 2016 में जो ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार का नारसन क्षेत्र। कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है बजाने वाला, जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वह है तुग्गल। तुग्गल एक क्या है, तुग्गल एक आपका आभूषण है जो कि महिलाओं के द्वारा कहाँ पे पहना जाता है, महिलाओं के द्वारा आपका कान में जो है वो कान में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पवार शासन में उल्लेखित गढ़ राजवंश में कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, कत्यूरी शब्द का सबसे पहला उपयोग बहुत बार आपका पूछा जा चुका है, तो कत्यूरी शब्द का जो सबसे पहला जो है वो उपयोग किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, एटकिंसन के द्वारा किया गया है। एटकिंसन ने कौन सा आपका गैजेटियर लिखा था, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आपका कब हुआ था, गांधी जी ने, डांडी मार्च आपका हुआ था 1930 में, अहमदाबाद से लेके डांडी के बीच में हुआ था, उत्तराखंड से टोटल आपके 3 लोग थे, टोटल आपके 78 लोग थे, तो उसमें से एक आपके कौन है, उसमें से एक जो है वो आपके ज्योतिराम कांडपाल हैं। क्यों हैं, ज्योतिराम कांडपाल। क्वेश्चन नंबर 38, श्रीनगर गढ़वाल में शमशाही बगान बनाने का श्रेय, तो शमशाही जो श्याम शाह, आप नाम से इसको आपका श्याम सम इस तरीके से करेंगे, श्याम शाह जो शमशाही बगान। क्वेश्चन नंबर 39, 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने करी, ओके, 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में आपका किसने करी है, ये करी है आपके बिशप रेवरेंड ने, किसने है, पादरी रेवरेंड जो है उन्होंने आपका जो है अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की आपकी स्थापना की है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी, जहां पे आईएएस की ट्रेनिंग आपकी होती है, इसकी जो आपकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1959 को जो है इसकी स्थापना यहाँ पे आपकी होती है। तो स्टूडेंट, आज के हमारे जो 40 क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको जो है वीकली 3 आपको वीडियोस मिलते हैं, एक ट्यूसडे को मिलता है, एक थर्सडे को होता है, एक सैटरडे को होता है। अगर आपको किसी स्पेशल कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको यहाँ पे बता सकते हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।